अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम इंशाअल्लाह साहिर लुधियानवी की मशहूर व मारूफ नज़्म आए शरीफ इंसानों का मुताला करने की कोशिश करेंगे। ये नज़्म बहुत ही सीधी सादी लेकिन माने खेज है, जो बहुत ही मासूमाना अंदाज में मोहब्बत और मुरव्वत के साथ साहिर लुधियानवी ने इंसानों से मुखातिब होकर इंसानियत का दर्स देने की कोशिश की है। ऐ शरीफ इंसानों, इस उन्वान से ही वाज़े हो जाता है कि साहिर लुधियानवी का असल मकसद क्या है। इस नज़्म को पेश करने का असल मुद्दा क्या है। मैं इस नज़्म की तरफ आने से पहले चंद ज़रूरी बातें साहिर लुधियानवी के ताल्लुक से बताना ज़रूरी समझता हूँ। साहिर लुधियानवी का शुमार 20वीं सदी के अहम शोरा में होता है, जिन्होंने नज़्म की शायरी की और अपनी नज़मिया शायरी की बुनियाद पर बहुत ही शोहरत हासिल की। इनकी ज़िंदगी के यानी अदबी ज़िंदगी के दो पहलू हैं, यानी इल्मी ज़िंदगी कहना चाहिए, एक अदबी दुनिया और दूसरी फिल्मी दुनिया, क्योंकि ये दोनों जगह मशहूर और मारूफ हुए। नाम अब्दुल हई है, तखल्लुस साहिर लुधियाना में पैदा होने की बुनियाद पर उन्होंने लुधियानवी नाम के साथ शामिल कर लिया, इस तरह वो साहिर लुधियानवी के नाम से मशहूर व मारूफ हुए। तालीम व तरबियत उनके वालिदा और मामू के यहाँ हुई, बीए का इम्तिहान पास किया और लाहौर से जारी होने वाले अदबी महानामों अदब लतीफ़ और सवेरा की के मुदीर की हैसियत से भी से उन्होंने मुलाजिमत का आगाज़ किया। कुछ अरसे तक वो वहाँ रहे और उसके बाद दिल्ली आए और मशहूर व मारूफ अदबी रिसाले शारा से वाबस्ता हो गए। वहाँ पर इदारत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। मुल्क तकसीम हुआ तो साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी मुसाइब का शिकार हो गई, मुसीबतों में गिर गई। वो जूं तूं करके किसी तरह मुंबई पहुँचे। मुंबई पहुँचने के बाद वहाँ उनकी सलाहियतें पूरे तौर से उभरने लगीं। गैर मामूली शहरी सलाहियतें उनके अंदर मौजूद थीं। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए और फिल्मी दुनिया में उन्होंने बहुत जल्द कामयाबी हासिल की। इस तरह वो उर्दू के मशहूर यानी शायर होने के साथ साथ अदबी हैसियत मनवाने के साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने नाम भी कमाया और इज्जत भी कमाई, शोहरत भी हासिल की। वो उर्दू के यानी फिल्मी दुनिया के मशहूर नगमा निगारों में शुमार होने लगे। यहाँ मैं उनके ताल्लुक से दो चार बातें मज़ीद बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक मशहूर शेर है उनका, नज़्म उनकी ताजमहल है, तलखियाँ उनका शेरी मजमुआ है, उसमें उन्होंने ताजमहल नज़्म लिखी, जिसका एक शेर बहुत ही मशहूर हुआ।
एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये बहुत ही मशहूर व मारूफ शेर है। तलखियाँ के अलावा एक और शेरी मजमुआ उनका मौजूद है, यानी दो और मौजूद हैं। तलखियाँ के बाद परछाइयाँ भी उनका एक शेरी मजमुआ है, और आओ के कोई ख्वाब देखें ख्वाब बने, ये भी उनका एक शेरी मजमुआ है। तलखियाँ और परछाइयाँ के अलावा उन्होंने जो फिल्मी दुनिया को दिया, उसमें एक कभी कभी नाम की फिल्म आई थी जिसमें टाइटल सॉन्ग कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो नगमा बहुत ही मशहूर व मारूफ हुआ। और एक उसी फिल्म में मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, ये नगमा भी शोहरत का हामिल है। इस तरह से उन्होंने दोनों एतबार से या अदबी दुनिया में भी और फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही शोहरत हासिल की। मैंने कहा हालांकि इन्होंने गज़लें भी लिखी, लेकिन नज़्म को इन्होंने अपने ख्यालात, जज्बात, मुशाहदात व तजुर्बात के इजहार का मुवस्सिर ज़रिया बना लिया। उनकी नज़में उनके अपने अहद का मुरक्का हैं। अर्जी समाजी ज़िंदगी के तल्ख तुर्श वाक़ियात जो होते हकायक जिसमें मौजूद हैं, तो उन हकायक को वो कहीं नहायत दर्द मंदाना लहजे में बयान करते हैं, तो कहीं उनका लहजा शदीद तल्ख हो जाता है, झंझलाहट वाला हो जाता है, लेकिन उनकी नज़मों की ज़ुबान बहुत ही सादा व सलीस हुआ करती है। उन्होंने उमूमन रिवायती लफ्ज़ियात जो हैं उनसे गुरेज किया और नए नए शेरी तराकीब वज़ा करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने कहा, तलखियाँ उनका पहला शेरी मजमुआ है जिसे गैर मामूली शोहरत हासिल है। उसे उर्दू की अहम शेरी तसानीफ में शुमार किया जाता है। परछाइयाँ और आओ के कोई ख्वाब बने भी उनकी दिगर शेरी तसानीफ हैं। उसके अलावा या जैसा कि मैंने कहा कि फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। यहाँ उनकी एक मशहूर व मारूफ नज़्म रखी गई है सिलेबस में। इसका पस मंज़र 1971 की पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग की हौलनाकियाँ हैं, जंग से होने वाले नुकसानात को उन्होंने इस नज़्म में पेश किया है, शराफत का दर्स दिया है। दरअसल इस नज़्म का मौजू जंग व अमन है, लेकिन जंग के मुकाबले में शायर अमन की अहमियत पर जोर देता है। जंग कोई भी मसला क्यों ना हो दुनिया का, हल मसाइल का हल जंग कतई हो ही नहीं सकती। जंग बजाते खुद एक मसला है, वो मसाइल का हल नहीं है। जंग के जो हामी होते हैं, जो मुद्दई होते हैं, जंग को जरूरी समझते हैं। जो आपस में लड़ाने वाले होते हैं, उसे जंग पर आमादा करने वाले होते हैं, जो उसके मुद्दई होते हैं, जो उसके पैरोकार होते हैं, वो दरअसल शायर के मुताबिक लायक नफरत होते हैं। और अमन के जो पयाम्बर होते हैं, अमन का जो पैगाम देने वाले होते हैं, वो काबिल तहसीन हैं। शायर यहाँ जंग के मुद्दइयों को लायक नफरत समझता है, और आयाम के जो अमन के जो पयाम्बर हैं, पैगाम देने वाले हैं अमन का,
जो सलामती चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं जंग की बनिस्बत, वो लायक तकरीम भी होते हैं, लायक ताज़ीम भी होते हैं, लायक तहसीन भी होते हैं। शायर इस नज़्म में नस्ल आदम का खून बहाने वाले जंग वाली जंगों की बजाय नस्ल आदम इंसानी नस्लों का खून बहाने की बजाय बहाने वाली जंगों की बजाय असल जंग चाहता है, वो जंग जो वहशत के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, इफलास व गुलामी के खिलाफ असल जंग वो है। दुनिया में असल जंग अमन का कायम करना है, बर्बरियत, वहशत, जुल्म, जबर व तशद्दुद, मुफलिसी, गुलामी, ये जो इंसानों को झिझोड़ने वाले मसाइल हैं, जहनों को झिझोड़ने वाले मसाइल हैं, इन मसाइल के खिलाफ जंग होना चाहिए। ऐसी जंग हो जो अमन कायम करने पर आमादा हो, मुफलिसी को दूर करने वाली हो। ऐसी जंगों का अगर एहतमाम किया जाए तो हर तरफ अमनो चैन होगा, खुशहाली होगी, इत्मीनान और सुकून की जिंदगी होगी और ये दुनिया जीने की जगह बन जाएगी। ये दुनिया बहुत अच्छी है। जंग के पैरोकारों ने, जालिम लोगों ने जंग का बढ़ावा दिया है। जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जंग किसी मसले का हल हो ही नहीं सकती। अमन चाहिए, सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए। दुनिया का कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि तशद्दुद हो, वहशत व बर्बरियत का आलम हो, इंसान एक दूसरे से कटें, एक दूसरे को देखकर डरें, एक दूसरे से नफरत करें। आपस में मिलनसारी, इत्तेहाद व इत्तेफाक, मोहब्बत व मुरव्वत, खुलूसियत, भाईचारगी, ये होना चाहिए। इससे जिंदगी जिंदगी बन जाएगी, वहशत नाकियां दूर हो जाएंगी। शायर यही इस नज़्म में कहना चाहता है। इसका पस मंज़र 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई, उसके बाद जो हौलनाक मनाजिर सामने आए उसे यहाँ शायर ने मौजू बनाने की कोशिश की है। मैं यहाँ असल नज़्म की तरफ आता हूँ। शायर क्या कहना चाहता है, बहुत ही नरमी के साथ, मुलायमियत के साथ, शराफत के साथ इंसानों से मुखातिब है। इंसानों से मुखातिब होकर कहता है शायर, अय शरीफ इंसानों। कौन है शरीफ इंसान? यह नज़्म में है। वही शरीफ इंसान है जो अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, इत्तेहाद व इत्तेफाक चाहते हैं। उनसे मुखातिब होकर शायर कहता है, बहुत ही दिलचस्प नज़्म है, बहुत ही इबरत आमीज़ वाली नज़्म है, जिसमें नसीहत भी है, मोहब्बत का पैगाम भी है। मुलाहजा करें, खून अपना हो या पराया हो, यहाँ देखिए बहुत ही, मैंने कहा जंगों से होने वाले नुकसानात और जंगों के बाद का जो आलम होता है उसे जहन में रखें। उसकी बनिस्बत अमन, जो शांति, सुकून, इत्मीनान है, वो देखिए। शायर कहता है, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरें,
के सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले के औरों के जीस्त फाखों से तिल मिलाती है। टांक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो के हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए आए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुछ तो खून ही नहीं, हासिले जिंदगी खिरद भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तेरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तकवियत पहुंचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमन तहजीब व इर्तिका के लिए, जंग मर्ग आफरी सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए, जंग इफलास और गुलामी से, अमन बेहतर निजाम की खातिर, जंग भटकी हुई क़ियादत से, अमन बेबस अवाम की खातिर, जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जम्हूर की खुशी के लिए, जंग जंगों के फलसफे के खिलाफ, अमन पुर अमन जिंदगी के लिए। जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जम्हूर की खुशी के लिए, जंग जंगों के फलसफे के खिलाफ, अमन पुर अमन जिंदगी के लिए। यहाँ नज़्म ख़त्म होती है। एक मरतबा मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। मुलाहजा करें, शायर बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा, नर्म और मुलायम लहजे में शरीफ इंसानों से मुखातिब होकर, यानी इंसानों से मुखातिब होकर कहता है, खून अपना हो या पराया हो, खून हमारा हो या गैरों का हो, किसी भी का, किसी का खून क्यों ना हो, खून का रंग एक होता है, आदमी का खून होता है, आदम की नस्ल का खून होता है, तो खून हमारा हो या गैरों का हो, किसी का खून क्यों ना हो, नस्ल आदम का खून है। और जंग मशरिक में हो या मगरिब में हो, जंग यहाँ हो, हमारे यहाँ हो, या दुनिया के किसी मुल्क में हो, किसी खित्ते में हो, वो असल में पूरी दुनिया के अमन का खून है। खून हमारा हो या अपना हो या पराया हो, आखिर नस्ल आदम का खून है। जंग कहीं भी क्यों ना हो, मशरिक में हो या मगरिब में हो, बिलाखिर वो आलम अमन का खून है, वहाँ खून बहता है,
किसी भी मुल्क में क्यों ना हो, जंग होती है तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाती है, उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगला बंद है, दूसरे बंद में शायर कहता है, बम घरों पर गिरे के सरहद पर कहीं भी गिरे, रूह तामीर जख्म खाती है, तामीर की जो रूह होती है वो जख्म खाती है। बम चाहे सरहद मुल्कों के सरहदों पर पड़े या घरों पर पड़े, रूहें जख्मी होती हैं। खेत हमारे अपने जले या किसी और के जले, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। अनाज जो उगने वाले खेत हैं वहां पर बम गिरे, जलकर खेत खाक हो जाए तो जिंदगी में फाके पड़ जाते हैं, क्योंकि खेत सलामत है तो अनाज मैसर आता है, गिजा मैसर होती है। अगर खेत ही जलकर राख हो जाए, खाक हो जाए, तो जिंदगी फाखों से तिल मिलाने पर आमादा हो जाती है, हर तरफ इफलास हो जाती है। और उसके बाद वाला बंद है, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे। टैंक जंग में जो टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बड़े बड़े शैतानी खामत या देव खामत, वो टैंक जहां चलते हैं, टैंकर जहां चलता है, कहा जाता है कि वहां की जमीन बांझ हो जाती है, कोई फसल उगने के लायक नहीं रहती। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है, जमीन कोई फसल उगाने के काबिल नहीं होती। टैंक जहां जहां चलती है, चलते हैं वहां पर वो जमीन बांझ हो जाती है, किसी लायक नहीं होती। फतह का जश्न हो के हार का सुख, जिंदगी मैयतों पे रोती है। देखिए यहाँ कितने दिलकश अंदाज में शायर कहते, इतने दर्द भरे अंदाज में, दिलकश नहीं, दर्द भरे लहजे में कहता है, जंग होती है तो जंग जीतने वाले फतह का जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, और हारने वाले सोग में मुब्तला हो जाते हैं, मातम का शिकार होते हैं। शायर कहता है, फतह का जश्न हो, खुशियां हो कामयाबी की, या मातम हो हार का, जिंदगी मैयतों पे रोती है। मैयत लाशें जो पड़ी होती है उन पर जिंदगी रोती है। अगले बंद में शायर कहता है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग खुद ही एक मसला ही एक प्रॉब्लम है, मसाइल के हल के लिए जंगें लड़ी जाती हैं। शायर का कहना यह है, जंग क्या मसलों का हल देगी, लड़ाई झगड़ों से कोई मसाइल हल नहीं होते और मजीद उलझन का शिकार हो जाते हैं। शायर कहता है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग बजाते खुद एक मसला है, मसलों का हल जंग क्या देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इन्हें जंग जब तक लड़ी जाती है उस वक्त तक आग होती है, खून की होली होती है, जब जंग खत्म हो जाती है तो भूख, जरूरतें, हाजतें बढ़ जाएंगी। आज जंग है तो कल भूख है, इफलास है, ज़रूरतें हैं, वगैरह वगैरह ही, यानी कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। शायर का यही कहना है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग हल हो ही नहीं सकती, बल बजाते खुद जंग ये एक मसला है। अगले बंद में शायर कहता है, इसलिए आए शरीफ इंसानों, जंग चल टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। शायर कहता है, जंग किसी मसले का हल नहीं है,
परेशानियां देने वाली है, मुसीबतों में मुब्तला करने वाली है। इसलिए आए शरीफ इंसानों, बेहतर है कि जंग टलती रहे, जंग आगे चलती रहे, यानी टाला जाए, जंग ना होने दिया जाए, ताकि हमारे और तुम्हारे आंगन में मोहब्बत की शमा हमेशा जलती रहे, मोहब्बत खायम रहे, मोहब्बत के दीप हमारे आंगन में जलते रहें, हम सब के सब मोहब्बत और मुरव्वत भाईचारगी के साथ आपस में ज़िंदगी गुजारने पर आमादा हो जाएं। शायर कहता है इस बंद में कि आए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हम और हमारे और तुम्हारे आंगन में मोहब्बत की शमा जलती रहे तो बेहतर है। और अगले बंद में शायर कहता है, बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है। शायर आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, बरतरी के सबूत की खातिर, यानी बड़ा होने की खातिर, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की खातिर, क्या दुनिया में खून बहाना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे अंदाज में शायर कहता है, यहाँ हर कोई एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है, हर कोई चाहता है कि वो बड़ा, मैं बड़ा हूँ, वो बड़ा है, मैं बड़ा होने की, मैं अपने आप को बड़ा साबित करूँ। शायर कहता है कि बरतरी के सबूत की खातिर, इन्हें बड़ा होने की खातिर, क्या ये खून बहाना ज़रूरी है। और आगे बहुत अच्छे अंदाज में कहता है, घर की तारीकियाँ, घर में जो अंधेरा है उसे दूर करने के लिए क्या घरों को जलाना ज़रूरी है। शायर कहता है कि घर की तारीकियाँ घरों को जलाकर नहीं की जा सकती, घर की तारीकियाँ मिटाने के लिए चिराग जलाना, शमा जलाना पड़ता है, घर को ही आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बरतरी के सबूत की खातिर, इन्हें अपने आप को बड़ा साबित करने की खातिर खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, और घर में जो अंधेरा है, तारीकी है, उसे दूर करने के लिए घरों को जलाना ये सेवा नहीं है, इंसानियत नहीं है। और अगले बंद में शायर कहता है कि जंग के कई मैदान हैं, जंग मुल्कों के दरमियान ही नहीं, कौमों के दरमियान ही नहीं, बल्कि जंग के कई मैदान हैं, हासिले ज़िंदगी खिरद भी है, हासिले ज़िंदगी जुनू ही नहीं। शायर कहता है इस बंद में कि जंग के और भी मैदान हैं, जंग के कई मैदान हैं, सिर्फ मैदान जंग में खून बहाना ही जंग नहीं है। उसी तरह ज़िंदगी का महासल अक्लमंदी है, दानिशमंदी है, अक्ल है। ज़िंदगी गुजारने के लिए जंगों की ज़रूरत नहीं है, जुनून की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दानिशमंदी की ज़रूरत है, अक्ल की ज़रूरत है। अक्ल से काम लेना चाहिए, अक्ल नहायत ज़रूरी है। हासिले ज़िंदगी, ज़िंदगी का महासल, ज़िंदगी का निचोड़ अक्ल है, अक्ल से काम लेना चाहिए। ज़िंदगी जुनून में मुब्तला होने का नाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी का महासल अक्लमंदी है, अक्ल के ज़रिए काम लेना चाहिए, अक्ल के ज़रिए मोहब्बत आम करनी चाहिए। यानी शायर इस बंद में ये कहना चाहता है कि जंग के कई मैदान नहीं, जंग के मैदान में खून बहाना ही जंग नहीं है, ज़िंदगी का महासल अक्ल है, जुनून में मुब्तला होना ज़िंदगी का हासिल नहीं है। उसके बाद वाले बंद में शायर कहता है, इसलिए कि आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। देखिए बहुत ही
मोहब्बत भरे लहजे में शायर अमन का पैगाम देने के लिए बहुत अच्छी बातें करता है। ऐ शरीफ इंसानों, इस बदबخت दुनिया में, इस तेरा बख्त यानी बदकिस्मत बदनसीब दुनिया में कुछ ऐसा काम करें, ऐसी फिक्र की रोशनी आम करें, ऐसी दावत दें जिससे अमन को तकवियत पहुँचे, अमन को बढ़ावा पहुँचे। हम अमन को बढ़ावा देने वाले कामों का एहतमाम करें, ऐसी जंगों का एहतमाम करें जो बजात खुद जंग के खिलाफ जंग हो, यानी अमन का पैगाम हो, हर तरफ अमन हो, बहाली हो, खुशहाली हो। शायर इस बंद में यह कहना चाहता है कि ऐ शरीफ इंसानों, आओ इस बदबخت दुनिया में फिक्र की ऐसी रोशनी को हम आम करें जिससे अमन को तकवियत पहुँचे और हम ऐसी जंग का एहतमाम करें जिससे अमन कायम हो। और आगे कहता है किस तरह का अमन चाहिए और किस तरह जंग के खिलाफ जंग चाहिए। जंग क्या है, अमन क्या है, अगले तीन बंदों में शायर बहुत अच्छे अंदाज में जंग किससे होनी चाहिए और अमन किसके लिए चाहिए इसका पैगाम देता है। कहता है जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमन तहजीब व इरतिखा के लिए। जंग किसके लिए चाहिए, अमन किसके लिए चाहिए और जंग किसके से होनी चाहिए। जंग वहशत से हो, बर्बरियत से हो, अमन से हो, तहजीब व इरतिखा, अमन तहजीब व इरतिखा के लिए हो। जंग मर्ग आफरी सियासत से हो और अमन इंसान की बखा के लिए हो। यानी कि यहाँ इस बंद में भी, इस बंद में अगले बंदों में भी उसी तरह है। पहले मिसरे में जंग, दूसरे में अमन, तीसरे में फिर जंग, चौथे में अमन। अब यहाँ जंग वाले दो मिसरे एक जगह और अमन वाले एक जगह रखकर पड़े। जंग वहशत से हो, बर्बरियत से हो, जंग मर्ग आफरी सियासत से हो, अमन किस लिए हो, अमन तहजीब व इरतिखा के लिए हो, अमन इंसान की बखा के लिए हो। जंग किससे हो, वहशत से हो, बर्बरियत से हो। जंग ये जो मौत को दावत देने वाली सियासत है, जो आपस में लड़ाने वाली सियासत है, उसके खिलाफ जंग हो। वहशत से जंग हम लड़ें, बर्बरियत से जंग हम लड़ें, ऐसी सियासत से जंग लड़ें जो मौत जैसी जिंदगी देने वाली है, और ऐसा अमन कायम। अमन किस लिए, ताकि तहजीब बरकरार रहे, तरक्की हो और इंसान की बखा हो। जंग वहशत से हो, बर्बरियत से हो, मर्ग आफरी सियासत से हो, और अमन तहजीब व इरतिखा के लिए हो, इंसानी व बखा व बहबूदी के लिए हो, खुशहाली के लिए हो, इंसानी ज़िंदगी को खुशहाली नसीब होने के लिए हो। वैसी जंग हमें लड़नी चाहिए ताकि अमन कायम हो। और अगले बंद में भी उसी तरह शायर कहता है जंग इफलास और ग़ुलामी से हो, जंग भटकी हुई क़ियादत से। आगे पीछे मिसरे बनाकर मैं पढ़ रहा हूँ। जंग इफलास और ग़ुलामी से, जंग भटकी हुई क़ियादत से, अमन बेहतर निज़ाम की खातिर, अमन बेबस अवाम की खातिर। या अमन किसकी खातिर चाहिए और जंग किसके लिए, किस से होनी चाहिए, वो शायर यहाँ इस बंद में पेश करता है, उसी तरह जो इससे पहले वाले बंद में। जंग इफलास और ग़ुलामी से हो, जंग भटकी हुई क़ियादत से हुई है, जो हमारे रहनुमा हैं, जो रहनुमाई कर रहे हैं, जो हमारे क़ायद हैं, क़ियादत कर रहे हैं, जो आपस में निफाक डालने वाले हैं, वैसे ग़ुलामी से,
और वैसी क़ियादत से, माफ़ कीजिए, वैसी क़ियादत से और वैसी रहनुमाई से हमें जंग लड़ने की ज़रूरत है। जंग इफ़लास से हो, ग़ुलामी से हो, जंग ये भटकी हुई क़ियादत से हो। और अमन दुनिया की बेहतरी के लिए, बेहतरीन इंतज़ामात के लिए, एक ऐसी हुकूमत के लिए जिसका निज़ाम बहुत ही अच्छा हो, वैसा अमन हो, और अमन ऐसा हो जिस जो बेबस अवाम की खातिर हो। जंग मुफलिसी और ग़ुलामी से हो, भटकी हुई क़ियादत से हो, और अमन बेहतर निज़ाम की खातिर हो, और अमन बेबस अवाम की खातिर हो, अवाम की भलाई के लिए हो, बखाव बहाली के लिए हो, तरक्की के लिए हो। और अगले बंद में शायर, यानि आखिरी बंद में शायर वही बात जारी रखते हुए कहता है, जंग हमें लड़नी चाहिए सरमाए के तसल्लुत से, जंग हमें लड़नी चाहिए जंगों के फ़लसफे के ख़िलाफ़। ने इस बंद में शायर कहता है, जंग सरमाए के तसल्लुत से, जंगों के फ़लसफे के ख़िलाफ़, और अमन चाहिए अमन जम्हूर की खुशी के लिए, अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए। यानि यहाँ शायर यह कहना चाहता है, ये जो सरमाए का तसल्लुत है, ये कैपिटलिज्म है, जो साहूकार साहूकार होते हैं, अमीर अमीर होते रहते हैं, सरमायादार जो होते हैं, वो लोगों पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ जंग हो। और जो जंगों के फ़लसफे होते हैं, जंगें कायम करने की पासदारी करते हैं, जो फ़लसफे पेश करते हैं जंगों का, उसके खिलाफ जंग हो। जंग लड़नी हो तो सरमाए के तसल्लुत के ख़िलाफ़ हो, जंग अगर लड़ी जाए तो जंगों के फ़लसफे के ख़िलाफ़ लड़ी जाए, और अमन क़ायम किया जाए जम्हूर की खुशी के लिए हो, खुशी के लिए और पुरअमन ज़िंदगी के लिए। ने शायर पूरी नज़्म में अमन जंग के ख़िलाफ़ कहता है और अमन का पैगाम देता है। अमन ऐसा अमन जो इंसानी ज़िंदगी के लिए हो, पुरअमन ज़िंदगी के लिए हो, जम्हूर की खुशहाली के लिए हो, तहज़ीब व इर्तिखा के लिए हो, तहज़ीब व तमद्दुन को बरकरार रखने के लिए हो, मुल्कों की तहज़ीबों के की बरकरारी के लिए हो। अभी हाँ, ये तीनों बंदों में मैं मुख्तसर तौर पर जंगों के मिसरों और अमन के मिसरों की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। देखें शायर बहुत ही मुलायम अंदाज में, आओ इस तीरा बख्त दुनिया में अमन का ख़याम करें, और ऐसा मन, ऐसा यानी फ़िक्र की रोशनी, फ़िक्र करने की दावत देते हुए कहता है, और ऐसी जंगों का एहतमाम करने की दावत देता है जिससे अमन कायम हो, जंगों का माहौल दूर हो जाए, जंग वहशत से हो। अगर जंग लड़नी ही है तो जंग वहशत से हो, वहशत के ख़िलाफ़ लड़ी जाए, बर्बरियत के ख़िलाफ़ लड़ी जाए, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ी जाए। और जो ये सियासत है मौत को बढ़ावा देने वाली, उसके ख़िलाफ़ लड़ी जाए, और जंग लड़ी जाए तो इफ़लास के ख़िलाफ़ लड़ी जाए, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ लड़ी जाए, मुफलिसी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ हो, और भटकी हुई क़ियादत के ख़िलाफ़ हो, सरमाए के तसल्लुत के ख़िलाफ़ हो, और जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ हो। और अमन क़ायम हो तो अमन ऐसा हो, अमन किसके लिए, तहज़ीब व इर्तिखा के लिए हो।
अमन इंसान की बखा के लिए हो और अमन इंसानी एक बेहतर निजाम की खातिर हो और अमन बेबस वो लाचार अवाम की खातिर हो, वो उसके काम आए, और अमन जम्हूर की खुशी के लिए हो, अमन पुरअमन जिंदगी के लिए हो। अगर ऐसा हो तो दुनिया जीने की जगह बन जाएगी। शायर इस पूरी नज्म में जंग के खिलाफ है और अमन का पैगाम देता है। जंग से कोई फायदा नहीं, महासल इस नज्म का यही है कि जंग से कोई फायदा होने वाला नहीं है, किसी को फायदा नहीं होता। जीतने वाले मुल्क ने जो फतहयाब मुल्क होते हैं उनको भी उतना ही नुकसान होता है जितना के हारने वालों को। उधर खुशियां होती हैं, वहां के लोग भी मारे जाते हैं, वहां की भी फसलें जलती हैं, वहां भी इमारतें गिरती हैं, खेत बंजर होते हैं, वहां भी खूनरेजी होती है, यहां भी होती है। जीत किसी एक को होती ही है आखिरकार, लेकिन नुकसान दोनों तरफ होता है। कोई खुशियां मनाता है, खुशियों के गीत गाने लगता है, तो जो हारता है वहाँ भी मातम होता है, वहाँ भी वो खून बहता है, दोनों का हाल वही होता है। इसलिए शायर कहता है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग आखिर जंग होती है, आखिर जंग है, उससे दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान होता है। लिहाजा जंगों के खिलाफ जंग हो, सरमाए के तसल्लुत के खिलाफ जंग हो, जंग का को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ जंग हो, मौत को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ जंग हो, यानी हर तरफ अमन हो, अमन की जिंदगी कायम करने की फिक्र हर एक करे। अगर ऐसा हो तो दुनिया में अमन कायम होगा, पूरा अमन जिंदगी होगी, मोहब्बत होगी, इत्तेहाद होगा, मुल्कों की कौमों की तरक्की होगी, मुल्कों की तरक्की होगी, और हर तरफ खुशहाली होगी, मोहब्बत आम होगी। यही इस नज़्म का हासिल है। खुदा हाफिज़।